नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, 12 मार्च से इंग्लैंड और भारत के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का मुकाबला खेला जाना है। पहला मुकाबला 12 मार्च को शाम 7 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस T20 सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम की चयन कर ली है। 19 सदस्यीय टीम कुछ इस प्रकार है। विराट कोहली कप्तान होंगे, वहीं रोहित शर्मा भारतीय टीम के उप कप्तान होंगे। भारत की 19 सदस्यीय टीम विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उप कप्तान, KL राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत विकेट कीपर होंगे। वहीं ईशान किशन विकेट कीपर के रूप में चुने गए हैं। युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तवेतिया, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक शहर, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर। बता दूं कि मनीष पांडे और संजू सैमसन को टीम से बाहर रखा गया है। टीम में सूर्य कुमार यादव का होना फैंस के लिए निश्चित ही एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार यादव को भारतीय क्रिकेट फैंस निश्चित ही भारतीय टीम में देखना चाहते थे। और ऐसे में सूर्य कुमार यादव का जो चयन हुआ है वो निश्चित ही फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं दोस्तों, ईशान किशन को भी टीम में चुना गया है और उनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है, रिवार्ड जो मिला है वो मिला है कहीं ना कहीं विजय हजारे ट्रॉफी में बेहद ही कमाल का प्रदर्शन करने के लिए। दोस्तों बता दूं, अभी विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा है और झारखंड की टीम ने 4 में से 3 मुकाबले जीत लिए हैं और वहाँ पर बता दूँ आपको 3 में से 3 मुकाबले जीते हैं। वहाँ पर बता दूँ आपको कि 3 में से 2 मुकाबलों में ईशान किशन ने बेहद ही कमाल का 2 शतक जड़ा है और ये जो लास्ट मुकाबला उन्होंने खेला था मध्य प्रदेश के खिलाफ, वहाँ उन्होंने बेहद ही ज़्यादा शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 94 गेंदों में 177 रन ठोक डाले थे। और उसमें बता दूं दोस्तों, उनके इस शानदार इनिंग्स में 11 छक्के और 16 चौके शामिल थे। यहाँ दोस्तों, जहाँ पे उन्होंने 16 चौके लगाए थे वहीं 11 दनदनाते छक्के लगाए थे। तो ऐसे में भारतीय टीम का जो चयन हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से हुआ है। बता दूं आपको एक बार फिर से कि मनीष पांडे और संजू सैमसन जो है उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है, उन्हें टीम में नहीं रखा गया है, और सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को टीम में जगह दी गई है। और साथ ही दोस्तों बता दूं कि वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल भी टीम में शामिल होंगे। तो निश्चित ही ये बेहद ही ज़्यादा कमाल का टीम बन चुका है दोस्तों। भारतीय टीम अनाउंस हो चुकी है T20 के लिए और पहला मुकाबला जो है वो 12 मार्च को खेला जाना है शाम के 7 बजे अहमदाबाद के स्टेडियम में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ।